एवरीवन, वेलकम टू टेली टॉकीज। वेल दोस्तों, पर्दे पर आगाज होने जा रहा है मई के महीने में खतरों के खिलाड़ी के 11वें सीजन का। और इस सीजन में बिग बॉस सीजन 14 के आपको नजर आने वाले हैं 6 कंटेस्टेंट्स। कौन कौन से हैं वो कंटेस्टेंट जो इस बार खिलाड़ी के रूप में आपको नजर आएंगे खतरों के खिलाड़ी में, चलिए हम आपको बताते हैं टेली टॉकीज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवी इंडस्ट्रीज की चटपटी मसालेदार खबरें जानने के लिए टेली टॉकीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वेल दोस्तों, हम आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी में रुबीना आ रही हैं। रुबीना दिलेक आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 14 की विजेता रही हैं, और ऐसे में मेकर्स ने रुबीना की अच्छी टीआरपी को देखते हुए, फैन फॉलोइंग को देखते हुए उनको अप्रोच किया है खतरों के खिलाड़ी के 11वें सीजन के लिए, और रुबीना ने हाँ बोल दिया है। तो वहीं दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो है रुबीना के ही जीवन साथी अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला बिग बॉस सीजन 14 में शानदार रूप से हर टास्क में प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और यही वजह है कि मेकर्स ने उनकी इस एथलीट बॉडी को देखते हुए उनको अप्रोच करा है खतरों के खिलाड़ी के लिए, और उन्होंने भी हाँ बोल दी है। तो वहीं तीसरे नंबर पर जिसका नाम आता है वो है इजाज खान। इजाज खान बिग बॉस सीजन 14 के एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, लेकिन अपने वर्क कमिटमेंट्स की वजह से उनको शो को छोड़कर जाना पड़ा और वो वापस नहीं आ पाए। लेकिन अब इजाज खान अपनी बॉडी पर काम करना शुरू कर चुके हैं और वो पूरी तरह से अपने आप को फिजिकली फिट बनाने में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि इजाज खान भी खतरों के खिलाड़ी के 11वें सीजन में नजर आने वाले हैं। तो वहीं चौथे नंबर पर जिसका नाम आता है वो है पवित्र पूनिया। पवित्र पूनिया और इजाज की मोहब्बत के चर्चे तो इन दिनों हर जगह हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी मूव होने वाले हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि अब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं खतरों के खिलाड़ी में खतरों से लड़ने के लिए। लेकिन दो ऐसे भी कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं बिग बॉस के जो हाल ही में एक दूसरे से सोशल मीडिया पर भी लड़ते हुए नजर आए। हम बात कर रहे हैं निक्की तंबोली की। वेल दोस्तों, निक्की तंबोली अपने इंटरव्यू में भी इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि वो खतरों के खिलाड़ी में आ रही हैं। तो वहीं जो छठे नंबर पर कंटेस्टेंट आता है वो है कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस सीजन 14 के फर्स्ट रनर अप राहुल कृष्ण वैद्य। राहुल कृष्ण वैद्य को भी खतरों के खिलाड़ी के लिए अप्रोच किया गया है, और खबरों की माने तो राहुल कृष्ण वैद्य ने इसके लिए हामी भी भर दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके फैंस उनको कुछ अलग करता हुआ देखना चाहते हैं। यही वजह है कि राहुल शो के अंदर आ रहे हैं। वेल दोस्तों, ये थे बिग बॉस सीजन 14 के वो 6 कंटेस्टेंट जो इस बार अपना दम दिखाते हुए नजर आएंगे आपको खतरों के खिलाड़ी में। इसमें से किसको देखने के लिए आप है एक्साइटेड कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।